हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और मूवी जो कि रिलीज हो चुकी है मुंबई में, जिसका नाम है शिवाजी सूरतकल। तो जब से ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 21 फरवरी से काफी लोगों का कमेंट आ गया था भाई इस मूवी को देखो, लेकिन यार ये मूवी मुंबई में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अब 28 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो चुकी है। सिर्फ टीनी थिएटर में रिलीज हुई है, लेकिन कनाडा लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है। ये उन फिल्मों में से है जिसके पैन इंडिया रिलीज होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि इस फिल्म का फ्रेंचाइज आगे बढ़ सकता है। और उसके अलावा उसको इस मूवी को आप आराम से कह सकते हो कि कनाडा सिनेमा की शर्लॉक होम्स है भाई। सच बता रहा हूं, इस फिल्म में जो सस्पेंस है, जो थ्रिलर है ना, वो मैंने आज तक किसी फिल्म में नोटिस नहीं किया। और मैं सोचा था कि ये तो कोई नॉर्मल फिल्म होगी, लेकिन जैसे मैंने इस फिल्म को देखना स्टार्ट किया उसके बाद तो भाई मैं सोचा कि नहीं भाई, ये एक नेक्स्ट लेवल वाली फिल्म है। और वाकई में अब कनाडा सिनेमा जो है ना, उसका टाइम आ चुका है। और बॉलीवुड में इतना बता दूं कि 2020 में इसके टक्कर की बॉलीवुड में फिल्म नहीं आई है। आप सोचो इस फिल्म का क्या लेवल होगा। और ये फिल्म की जो कहानी है, मैं आपको इतना बता दूं कि एक मर्डर मिस्ट्री पे बनाई गई फिल्म, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में क्या कुछ है वो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो चीज बता दिया तो वो फिल्म को देखने का जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा, और मैं आप लोगों का मजा खराब करना नहीं चाहता। क्योंकि इसमें आपको रमेश अरविंद सर ने जो काम करके दिखाया शिवाजी सूरतकल का, वो एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर बता दिया इसमें। और जिस तरह से इसमें उनके में खास एबिलिटी बताई कि वो जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जो जो क्राइम सीन होते हैं, उसको जिस तरीके से वो री इमेजिन करते हैं, वो क्या कुछ है भाई, वो उस फिल्म में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, सबका काम इक्वली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जितना मैं इस मूवी की एक्टर की तारीफ करूं, उतना ही डायरेक्टर, उतना ही राइटर की भी तारीफ करना पड़ेगा, उतना ही म्यूजिक डायरेक्टर की भी तारीफ करना पड़ेगा, उतनी सिनेमेटोग्राफर की भी तारीफ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के टीम वर्क जो आपको पर्दे पर नजर आता है, और यही एक फिल्म की जान है। इस फिल्म में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, और ये एक नीट एंड क्लीन फिल्म है कि आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, और पूरी की पूरी फैमिली इस फिल्म को देखकर एंजॉय करेगी। और जो इसमें सस्पेंस है, वो सस्पेंस सिर्फ जितने जो होशियार, जो स्मार्ट लोग हैं ना, उन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई। मतलब कुछ चूतिया है जो अजीब तरीके की माइंड सेट होते हैं, तो उनको ये फिल्म समझ में नहीं, बोले क्या यूजलेस फिल्म है। लेकिन जो समझदार है, जो फिल्में देखते हैं, जो मूवी लवर है, ये फिल्म उनके लिए बनाई गई है। और मैं यहाँ पर चाहता तो बहुत कुछ इस फिल्म के बारे में बता सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ स्पॉइलर निकल जाएगा, और जो देखने का मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लो, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है वो इस हफ्ते कुछ सड़ी चूती वाली फिल्में रिलीज हुई, तो उससे अच्छा इस फिल्म को जाके देखो। सिर्फ 3 ही थिएटर में रिलीज हुई है, लेकिन ये फिल्म आपका पैसा वसूल करती है, और सबटाइटल के साथ रिलीज हुई, तो आपको देखने में कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। बस इतना बोलूंगा कि इस फिल्म को थ्रू आउट द वे आप लोग इंजॉय करोगे, चाहे एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, स्क्रीन प्ले हो, स्टोरी हो, डायरेक्शन हो, सब कुछ। और बेहतरीन सस्पेंस है, और क्या चाहिए आपको। तो बस जल्द से इसकी टिकट लो और जाके देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, या आपने ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी, या आप इस मूवी को देखने वाले हो तो आप कितना एक्साइटेड हो, सब कुछ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल की तारीफ भी कर सकते हो, या तो गाली भी दे सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, इस वीडियो की लिंक को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जितनी भी नेटवर्किंग साइट है सब जगह पे इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो में। मेरा नाम है राशि शेख, और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। टिल देन दुआ में याद रखना, बाय।